स्टोन अटैक कैसे? चीज घर में हो लाला जी तो खरीदने क्या जरूरत है? कौन सा घर, किसका घर? घर तो हमारा है। कसीला अब यू घर को भी अपना बचान लगा। अजी तुम बात को बतंगड़ ना बनाया करो, तुम रुको जी मैं लाई अभी।
हाँ लुटवा दे इस घर को, कमाना तो पड़ता ही ना। हाँ भाई सुन, किराया ना छोड़ दूं मैं, और तू इस घर से दूर रह कर। कैसी बात कर रहे हो लाला जी, ये घर कैसे छोड़ दूं मैं? क्यों, घर पर कब्जा कराने का इरादा है? घर पे भी नजर कर ली, और सुन मेरी घरवाली तुम्हें दूर रह कर। मेरा मतलब है लाला जी, ये घर कैसे छोड़ दूं, किराएदार हूं मैं यहां। मैं कोई चील का बताऊंगा, जोड़ के अपने कमरे पे चला जाऊंगा। तम इनके चक्करों में ना पड़ो, ये लो सुई दागा, इनका तो दिमाग खराब रहे, इन्हें तो 24 घंटे किराए किराया चढ़ा रहे दिमाग में। मैं तो फ्री में रख लूं। ओए सुन, अगले महीने तक किराया बढ़ेगा। ओए सुन, मैं क्या कह रहा बता, कोई जवाब ही ना देता। तुम तो चुप ही रहो, तारे दिमाग में तो 24 घंटे किराया किराया है, जिंदगी में कुछ और भी है। अरे इस घर में इतनी चाय क्यों बने जब मैं चाय नहीं पीता? तो तुम्हें पीनी है तो पियो, ना पीनी है तो जाओ अपने काम पे। तो मैं जानू इस घर में इतनी चाय क्यों बने, पर जब लाइव सांड इस घर में है अब मैं कुक कर चला जाऊं। किराया देता हूँ, उसमें से कुछ आप मुझे दे देती हैं, मेरा काम चल जाए। हाँ ये तो है ही, महंगाई के जमाने में आजकल इसके गुजारे कैसे हो रहे हैं, ये तो परवाह लग जाना। ये सब तो आपकी मेहरबानी है जो मैं यहाँ पढ़ा। इतना किराया किस पर दिया जा रहा है, आप भी ना रहोगे तो ये कमरा खाली पड़ा रहेगा। ये लो कंजी, आपकी शर्ट बटन लगी। अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरी बेटी जिस घर में जाओगी रौनक हो जाएगी। लाला जी मैं तो अपने काम पर जा रहा था। हाँ अनु तो मैं जानू तू काम पर जावे, पर तू तो अभी गया था, अभी आ लिया
अरे तू सचमुच कौवा हो गया के जो उड़का जावे उड़का ही आवे। लाला जी तुम तो पीछे ही पड़े रहो, मैं तो कालू से मिलन गया था। अरे कालू से तेरा क्या काम? हाँ कोई मेरा काम, सारी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी के? किराया ना जोड़ू मैं, देख ले अब बता नहीं रहा मगर जरूर कोई बात है। लाला जी मैं पहले लेट हो रहा तो मुझे जान दो। अरे सुन तो सही, अरे बात तो बता के जा, कहाँ जा रहा? मम्मी मैं निशा के घर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। हाँ जल्दी आ जाइयो। अरे सुन तो सही, लाला जी तुम तो कम तो लो, अरे मेरे खाते में पैसे भी ज्यादा जोड़ रखे और ऊपर से इतनी महंगाई हो रही। अच्छा हम अभी मन बता रहा और मारे पति उधार मांग रहा, तू ऐसा कर मारे सारे पैसे दे दे और आगे तू उधार बंद। लाला जी तू तो गरम हो रहा, मैं तो नुके रहा महंगाई बहुत हो रही। अरे क्या मतलब है तेरा? कोलू सुनिए भाई, ये बात हो गई लाला जी। अरे वो राम सिंह आया था सुबह ही, तेरे तो क्या काम हो रहा है उसका? भाई वो ठहरा मारा किराएदार, मुझे तो सब ढाल की नहीं गारा रखनी पड़े। अरे क्या कह रहा तू? सही कह रहा, मैं तो खुद कई दिन से ढूंढ रहा, मुझे खुद ना मिल रहा। अच्छा ढूंढ रहा, क्या बात है तू ढूंढ रहा था? लाला जी तुम पहले मुझे सामान दे दो, मुझे जाकर भैंस लुवानी। अरे तू खड़े रहो, उधार मांग यार तब उठा जा। वो राम सिंह ने मेरे से सिलाजीत मंगवाई थी, कई बार मंगवा चुका, पैसों को हमेशा देर करे। मुझसे कह दियो कि कालू आया था, पैसे मांग रहा था मैं। ठीक है लाला जी, सुन रहे हो मेरी बात? ठीक था ना? अब तो मैं चल रहा हूँ, पर तुम मुझसे कह दियो जरूरी हुआ। लाला जी, लाला जी, लाला जी, केस साफ सुन गया तो मैं अगली बार सारा हिसाब चुका दूंगा। ले तो भूल जा अपना पिछला हिसाब भी। ताऊ यू दुकानदार कहाँ है? मर गया दुकानदार। अच्छा अभी ताजा ताजा मारा दिखे। तुझे क्या चाहिए लालत है? मुझे तो एक कमरा चाहिए था किराए पे। मुझे आप ना देना किसी को किराए पे कमरा, मैं तो पहले ही देकर पछता रहा हूँ। दुकान खा रही है, तुम क्या कह रहे थे लाला मर गया? तेरा क्या मतलब है? हाँ मैं कुछ भी कहूँ, मैं तो ये कह रहा था तुम मुझे किराए पे कमरा दे दोगे तो मैं अच्छा किराया दे दूंगा, मुझे बस 3 महीने रहना है। 3 महीने ही क्यों? मेरा काम हो जाएगा इतना। सोच लो लाला जी, मुझे रखोगे तो अच्छा किराया मिल जाएगा और तुम्हारी दुकान पे तो सामान भी लिए करूंगा। ठीक है 3,000 लूंगा एक महीने के, और वो भी एक साथ पूरे 9,000, और किराया ना छोड़ू मैं। लाला जी तो गांव है, गांव में बड़ा इतना किराया, और फिर मेरे को पूरी तो 15,000 रुपए, 9 तो मैं दे दूंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा 3 महीने का? लेना होता ले, वरना तो जाए अंत। चलो ठीक है कमरा तो अब लेना ही पड़ेगा, अब दिखाओ तो सही कमरा कहाँ है। हाँ ऐसा कैसे दिखा दूँ, अब पहले पैसे दे। अरे लाओ मैं अपने आप गिन लूँगा। अरे लाला जी मुझे अपने खर्चे को तो चाहिए। अब कोई बात ना, अजय सामान भी तो चाहिए का दुकान पर से, अब क्यों उस वक्त चेक। आदमी को 100 काम हो कहीं आना जाना पड़े, मेरे 6,000 रुपए उल्टा दो। अरे तेरा क्या खर्चा, और जो सामान चाहिएगा वो दुकान पे तो मिल जाएगा। आदमी को 100 काम हो मेरे पूरे पैसे वापिस दो। अच्छा ये ले 1,000 रुपए और किराया नहीं छोड़ दूंगा। ये कोई बात ना, मुझे 6,000 चाहिए पूरे। मैं कह रहा चल 1,000 और ले और सामान भी तो ले लेगा तू, अब मगर किराया ना छोड़ दूं मैं। चल कमरा तो दिखा, चल आ दिखाओ तुझे कमरा। चोरी और सीना चोरी, तुम क्या कह रहे? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। हाँ भाई तू यहाँ क्यों खड़ा, और तू ऊपर चल मैं चाबी लेकर आऊं। कौन है यार? नमस्कार जी। हाँ भाई बहुत होली राम राम, और तू ऊपर चल, और सुन इस घर से दूरी रहिए, मैं तो यहाँ एक तब ही परेशान हूँ। अगर इस घर से दूर रहना लाला जी तो मेरा किराया उल्टा है, तो मैं चल। और किराया तो मैं छोड़ दूँ ना।
अब मेरा मतलब यू है कि तदिया किसी और तो कोई मतलब नहीं, जो बात करनी है वो अब मेरे जी तो करनी है। कि नया किराएदार है ये, और तुझे क्या लगे अब मैं अपना जमाई लेकर आया हूँ। हमसे भी बात कर लिया करो, तुम करो ढंग वाले काम। चल भाई ऊपर चल। क्या नाम है इसका? जी जितेंद्र। होगी तेरी पूछताछ पूरी? दादाजी तुम इसके कमरे के 3,000 रुपए मांग रहे हो? 300 का बिना आई तो 3,000 में मैं नामा कर दू तेरे इस घर का। और हाँ बराबर में एक साउंड है उस तो बच करिए। साउंड मतलब? बराबर में किराएदार है राम सिंह, बड़ा तेज आदमी है और उस तो बच कर ही। लाला जी तुम किराएदार को सांड कह रहे हो, गलत बात है। और तू ना जानता अब वो तेज आदमी है वो, अब बच कर ही है उस तो। तेज है तो निकालो। हाँ निकाल भी देंगे, कोई बढ़िया सा किराएदार मिल जाएगा और उसे चलता कर देंगे। हाँ नहीं तो मैं समझ गया तुम बढ़िया किसे मान लो, तुम्हें तो बस किराए थे। और किराया तो मैं ना छोड़ दू, किराया ना छोड़ दू मैं। हाँ तू आराम कर और मैं तेरा सामान तैयार कर दूं और ले आइए। अरे ये राम सिंह के कारण आया था मेरे तो पीछे। यहाँ तो नहीं आया। अरे मैं अब की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सुबह की बात कह रहा हूँ। तुम तो नुई शक्कर ते रहो, नुई शक्कर करके मर जाओगे। अच्छा अब तो तुम मेरे मरने की बात भी कर लगी, पर मैं ऐसा होन नहीं दूं। कैसी बात कर रहे हो तुम? अच्छा एक बात बता, ये राम सिंह शिलाजीत क्यों खावे? शिलाजीत यूके हो वे। अच्छा नु तो मैं सब जानू। कुछ ना जानते तुम अपनी दुकान पे जाओ, थारा सारा सामान कोई ठाके ले जाएगा, फिर हमसे सर मारियो आके। अच्छा नुई ले जाएगा मेरा कोई सामान ठाके और नू ना छोड़ू मैं और उसे भी नहीं छोड़ू। हाँ अरे मैंने कितनी बार समझा ली, कितनी चाना बना के इस घर का नाश करके छोड़ देगी। लाला जी थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो, क्या सब छाती में धर के ले जाओगे? अरे मैं तेरी तरह सबको फ्री बांटता ना फिरता हूँ। तो क्या हो गया, थोड़ा लेने देने में किसी का कुछ घट नहीं जाता? लेने वाला भी खुश हो जाएगा, देने वाला भी खुश। देख ले अब मगर मान नहीं रही तू, और मैं नू क्यों मान जा, कुछ फायदा नहीं है बातों में। चाय बन गई तुम अपनी दुकान पे जाओ, चाय पीनी हो तो पियो, नहीं पीनी हो तो रहने दो। अनु के मैं छोड़ू, पर जब तक यू सांड है इस घर में मैं क्या जाऊं, और किराया नहीं छोड़ू, सब जानू मैं, कुछ नहीं होड़ दू। ऐसे नहाते हो? मैं कहता जब ऐसे नहाना पड़ेगा ऐसे खुले में, मैं तो नहाना हूँ। हाँ लाला ने तो तेरे लिए यहाँ स्विमिंग पूल बनवा रखी, भाई मैं तो ऐसे ही नहाऊँ। हाँ नीचे देख चाय बन रही है, तो सुन लाला तो ना बुझी। मैं ना देख रहा अपने आप से। ठीक है चाय भी हम ही पी लेंगे, तू रही है चाय में। अच्छा कोई और बाथरूम ना है? हाँ नीचे है, और नीट के धोरे थोड़ा लाला से बस कर रही है। Thank you.
भूख लग रही पीछे फिर देख लिया मैं खोल तो सही क्या हो गया खोल मैं खोल अरे यहाँ पर कोई नहीं है भाई और फिर ये आवाज कहाँ आ रही अरे क्या बात है क्यों के साथ ढूंढ रहा कब जा रहा था तोड़ोगे मारे इस घर को तू तो मैं क्या ना छोटू जितेंद्र गिर गया था ऐसा कैसे गिर गया वो मेरे से टकरा गया था टकरा गया यहाँ कुश्ती लड़ो तुम जो हमारा घर अखाड़ा ना है टकरा तो अपने घर जाकर लड़ो अखाड़े में जाकर लड़ो रानी जी लाला जी को समझाओ ऐसे तो गिरी जाए अग्नि हाँ इससे कहना जरूरी है तुझे बस बात करने का मौका चाहिए तू राजा मारे इस घर पे सब जानू मैं कुछ ना नया किराएदार जो आया था वो गिर पड़ा अरे गिरना पड़ा ऊपर लड़े होंगे दोनों सांड आपको तो किराया चाहिए बस रख लेते हो किसी को भी इतना लालच किस काम का देने से पहले कि कैसा है किस खानदान का है ठीक है ना है बस पैसों से मतलब अब तू क्यों गरम हो रही तुझे कुछ कह दिया क्या उसने अब कुछ कर दिया देख लो लंका में सभी पावन गज क्या हो रहे हैं कोई किसी को कुछ नहीं बताता क्या हो रहा और तू चाय नहीं पीती आज मैं भी देख लूं तो कितनी चाय पी मैं तुम अपनी दुकान पे जाओ ग्राहक खड़े वहाँ देख ले और जवाब ना दे रही अनु तो सब जानू मैं तुम्हें दुकान पे ना जाना के जब देखो दुकान की हाथ दुआ दे अनु तो सब जानू मैं तो इस घर का किराया बिल्कुल भी नहीं लगा और नाज करवा लू के मैं ए, मकान नाज करवा लू के लाली तुझे अपने अंकल को चाय दिया मैं जा रही नहाने ऐसी कोई बात नहीं बिन चाय ना पी तो क्या फर्क पड़े चाय नहीं दिया अंकल को मम्मी मैं भूल गई अभी अपने काम आप आराम से चाय पियो लाला जी नहीं आ रहे दुकान छोड़ के ये तो है It's
किराया ना छोटू में आज तो बहुत लेट है, पूरे 12 मिनट लेट है, क्या कर रहा था? कुछ ना, वो आज नहाने में लेट हो गया था। सब जानू मैं, मेरी तेरे पे ही निगाह है। लाला जी तुम अपनी दुकान पर निगाह रखो, मेरे तो तुम्हें कोई शिकायत ना मिलने की। नुके छोटू में मेरी सब जगह निगाह रहे। लाला जी तुम अपनी दुकान पर निगाह रखो, मेरे तो तुम्हें कोई शिकायत ना मिलने की। एक अब बता नहीं रहा, बात को घुमा दे। ओए सुन, तेरे तो एक बात पूछनी थी। देख लो कोई जवाब नहीं देता, और सब जानू मैं। तू एक काम करियो, मैंने कपड़े धो दिए हैं, उन्हें छत पे सुखा दियो। मेरे बस की ना है, मुझे बहुत काम है। तो और काम बाद में कर लियो, पहले कपड़े सुखा दियो। इतने सारे कपड़े मेरे पे ना सूख गए? हाँ ज्यादा ना है, थोड़े ही कपड़े हैं। अरे कहाँ जा रही? अरे मका कहाँ जा रही सज धज के? कहीं जाऊं तो नहीं चली जाऊं के? और टीचर हाल में थारा तो दिमाग खराब हो गया। अच्छा, और वो जवान है जिसके पीछे पीछे जा रही, और वो शिलाजीत खा रहा, सांड हो रहा, और जगह जगह मुंह मारता फिर है। तब मेरा मुंह ना लगो, चटिया गए हो बुढ़ापे में, अपने दिमाग का इलाज करा लो, कुछ भी बोल दो बुढ़ापे में। अच्छा, आंख बंद कर लू, नाश करवा लू इस घर का, और समझाऊ मैं? तुम ना जानते कुछ भी, अपना सामान बेचो बस। हाँ, अब बताती गुना कहाँ जा रही, किससे मिलना, हमें भी तो बता दे। हटो मेरे सामने से, जब देखो लटपट बोलते रहे, तारे से तो बात करना ही बेकार है। हाँ, और देख ले, और मैं क्या बता नहीं रही, नूके मैं छोड़ू। शांति के छोरे की बहू की मुंह दिखाई करने जा रही? अरे उसके छोरे का कद ब्याह हो गया, उसने तो हमें बुलाया भी नहीं। तुम जाओ अपनी दुकान छोड़ कर, कहीं हटो मुझे जान दो। मगर रहने दे, और घर की बात घर में ही रह लेने दे, हम तो मार भी जान लगी, नूके मैं छोड़ू। लाला जी मैं एक ही रात रुका हूँ, 3,000 के हिसाब से 100 रुपए बैठे हैं, एक रात के 100 रुपए काट लो तुम। हाँ, किराया ना छोटू मैं, लाला को हिसाब समझा रहा, लाला सारी दुनिया को हिसाब समझावे, और तू समझ जा किराया वापस नहीं करूँ मैं। तो ऐसा करो, 1 महीने का किराया काट लो, बाकी तो वापस कर दो। 1 रुपया भी वापस नहीं करूँ मैं। वो सामान के पैसे भी तुम्हारे पास है, वो तो वापस दे दो। वो तो सामान के पैसे थे, अभी क्या मैं सामान वापस नहीं लूँ मैं।
सामान तो मैंने अभी लिया भी नहीं है, सामान तो आपकी दुकान में रखा है। अरे मैंने तो रख करके जब ही रख दिया था और वो रख क्या? लाला जी ये गलत बात है, जब मैंने सामान लिया ही नहीं तो पैसे किस बात के? और देखियो क्या लिख रखा, भी क्या हुआ सामान वापस नहीं होगा, और मैंने तो सामान दे दिया, अब तेरी मर्जी है तू ले जाओ ना ले जा, पर पैसे वापस नहीं देने का मैं, और किराया छोटू नहीं। ये तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम लाला जी, ऐसा धंधा है लाला का मतलब है लाला, दे दे ना, तेरी मर्जी है रो और तेरी मर्जी है ना रो, पर किराया नहीं छोटू मैं। लाला तो मान ना रहा, अगर उस लड़की ने कुछ कह दिया तो हालात में रहना पड़ सके, कुछ चारा ही ना बचा, अब बिना पैसे घर गया तो घर वाले नाराज होंगे। अम्मा के सोच रहा रहना नहीं है के? अब सुन अयो बैग तो धरता जा, हम खाई में बोझ मरेगा। अब किराया ना छोटू मैं, मैं नया किराया दम ना आया क्या अपनो इतनी रात होगी? अरे वो तो वापस जाने की बात कह रहा था, और अपने किराए के पैसे भी वापस मांग रहा था, पर किराया ना छोड़ दूं मैं। उसकी मुझे लगे उसी की कारस्तानी है। यूके हो गया, बात की होती यू आ रहा था चोरों की तरह और चोट खा गया मेरे से, रुके मैं छोटू। हाँ भाई तू ऐसे क्यों आ रहा था, देख के भी तो आ सके था, अरे लाला को आदमी आदमी दिखाई ना देता, लगवा ली ना चोट। हाँ भाई क्या मतलब, अरे गलती इसकी है। गलती किसी की भी हो इसका तो ज्यादा ही चोट लग गई, सब ऊपर छोड़े आओ। नेहा जा हल्दी वाला दूध गर्म कर ले, देख ले और मेरी गलती मान रही। लड़ता ही रहेगा किसे ऊपर तो भिजवा दे। मैंने कम मना करी, चलो छाओ। देख भाई अब तो आराम कर, और आगे इस घर में पता खा कर, हम तो एक ही आदमी जो परेशान है वो कदम है कच्चा है, हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे यहाँ तो उसके चोट लग गई, अब तो हम अपनी जोड़ी कच्ची सुना दरवाजे में आ रही। अरे मैं समझाई तो रहा हूँ, रुके मैं किराया छोड़ दूँ। आजा बेटी आजा, दूध दे दे, आज तो भिनी चोट लगी इसके। आराम से पीजिए, दूध गर्म है। अरे क्या कर रहा है, तुझे कहा था किस चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देगी। कुछ ना बाथरूम गया था मैं, तो मुझे बुला लेता। वैसा कर दो तीन दिन आराम कर, कहीं जाने की जरूरत ना है, और मैं भी रुक जाता हूँ। था तो बुलाने की जरूरत ना, तुम जाओ मैं कर। क्या?
कैसे नहाए, इतनी चोट लग रही, तुझे एक आदमी की जरूरत है। तुम यहाँ रहे हो कि मैं वैसे ही परेशान रहूंगा, तुम जाओ। तो ठीक है, तो यहाँ तेरी दवा ले आओ और नीचे बोल के जाओ तेरा ख्याल रखे। इसकी जरूरत ना है। जरूरत है, मैं कह के जाऊंगा। एक आदमी कम था इस घर को लुटवाने के लिए, एक और आ गया। और हाँ, तो इसकी हम आम बहुत मिला भाई। हाँ भाई, सारी बात तो क्या हम यहाँ बनेंगे के? एक आधी बात की तो तुम यहाँ भरा कर। मैं तो उसके सारे काम कर दूं, पर मुझे ड्यूटी जाना पड़े। और मैं तो कही थी उसे, ना मानी। अब वो मानने का कैसे? तुम सब खुद लाला जी दिखाई दे रहे। तुम इनके चक्करों में ना पड़ो, मैं दे दूंगी चाय पानी। और तुम जाओ अपनी दुकान पे जाओ, थारे ग्राहक खड़े होंगे वहाँ। लो देखो, फिर क्या याद दुआ दिए। और चल तू भी चल। तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। तो सब जानू मैं, और तेरा यहाँ के काम है तुझे जो बात करनी मेरे से तो करनी। नू घर का नाश ना होने दूं मैं। मुझे ना करनी कुछ भी बात, चलो। लाली तुझे आपको चाय दिया? ठीक है मम्मी। अरे लाला दुकान ना खोल ली, उंगा क्या हो गया, तेरी भैंस भाग गई। लाला तेरे के हिरन बाईती हो गई, कभी इंगे जा कभी उंगे जा। सामान लेना है तो ले, और अभी जा यहाँ से। तुझे क्या मतलब? अरे ठीक है, कहीं और से ले लेंगे तुम। और सुन तो सही, अरे दुकान धारी ले आई तो खोल लगती, और मगा दुकान धरे बाप दादा की। आ जा ले ले, क्या चाहिए तुझे, और ले ले। आपका तो इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो है, आप ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको डरने की या यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं।
लाला जी तुम चाहे जितनी दूर रहो पर हम ना छोड़ने तुम्हें देख ले और चढ़ाले इसे सिर पर तुम्हारे पीछे ही पड़ गया तो सिर पर मैंने चढ़ाया तुमने चढ़ाया हाँ मैं चढ़ाऊ इस सांड को सिर पर आज मैं तो सब जानू मैं तुम ऐसा करो तुम अपनी दुकान पे जाओ सारे ग्राहक खड़े होंगे वहाँ फिर गाँव की याद दुआ दिए हाँ भाई मैं क्यों खड़ा चलता क्यों नहीं लाला जी मैं तो 6 बजे तक खड़ा सब जानू मैं मेरे लिए खड़ा हो तू कुछ कुछ रह नहीं थे हाँ इससे तो पूछवा होगा सब जानू मैं तो चलता क्यों नहीं आता चलो मैं तो कब का तैयार खड़ा हाँ आज सब क्यों हो गया आज तू मेरी वाट में खड़ा बस यूं ही मैं सब जानू अच्छा तू एक बात बता तुझे शिला जी क्यों खोए हाँ भाई हमें का पता नहीं था तुमसे किसी ने कह दिया मैं शिलाजीत खाऊं हाँ हमें सब पे नजर रखूं और सब जानूं मैं जो कालू कह रहा होगा लाला जी कालू में पूरा ढोल है कहीं भी बतिया मेरे ऑफिस में बड़े साहब हैं कभी कभी उन्हें जरूरत पड़ जाए उनके लिए मंगा दूं हाँ अब पकड़ा गया तो किसी और का नाम ले लिया अब मेरी उम्र यही काम करने की तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा मैं करूंगा ना मेरे अलावा तेरे साथ करेगा मिल जाएंगे बहुत जो मुझ पे दिन रात लाइन मारते हो अच्छा मैं लाइन नहीं मारता चिंता शिकार करता हूँ अच्छा तुम अपने आप को तीस बार तो समझते हो तो मारो यहाँ मक्खिया मैं तो चली अरे सुन लो मजाक कर रहा था यार ये क्या अच्छा शिकारी बनकर हमें पकड़ रहे हो पर हम शिकार बाहर भी जा रही हूँ अभी आ रही तू कपड़े धो लियो जब देखो मुझे काम पे लगा दो घर का सारा काम मेरे से ही करवाओ बस ज्यादा ना है थोड़े से कपड़े हैं उन्हें निकाल लियो मैं पानी में उकाड़ दूंगी आके राम सिंह तो निंगे को गया था या निंगे के लेन जाए सब जानू मैं घर का नाश ना होने दो तुम यहाँ क्या कर रहे हो सोचा तुमसे थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करूँ अच्छा कोई आ गया तो क्या कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो समय का ये पल थम सा कोई आ गया ना तो तुम्हारा सारा भूत उतर जाएगा यहाँ कोई नहीं है मुझे सब मालूम है पापा दुकान पे हैं तेरे तो मम्मी बाहर गई हुई है मैं सब जानू अच्छा पापा की नकल उतारे हो और मम्मी किसे बोल रहे वो मेरी मम्मी है ना कि तुम्हारी कोई नहीं इतने एक दिन मेरी भी हो जाएगी चल जाओ यहाँ से अच्छा
कोई चक्कर जरूर है। हाँ एक सांड वो घर में भी तो है, छोरी के लिए है, चल के देखूं उनके घर का नाश हूँ मैं। कागज रह गए थे वो लेना आया था। नुके छोटू मैं, अरे तू ऐसा करे जो कपड़ों का टुकड़ा ऊपर टंगा दे। मुझे तो पहले ही देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ चला जाइए, हम क्या रोक के अजू कब धरवा दे। जानते हो ना पापा इन्हें देर हो रही। अरे खड़ा क्यों है, अरे कब धरवा दे। ऐसी
हाँ, इन तो क्यों उठेगी?
नेहा सारी बात तुम चाबी तो ले आओ।
मैं नहीं ला सकती, मुझसे नहीं खुली जाएगी उनकी धोती से चाबी। तुम क्या करूँ, मैं ऐसे रहूंगा इस बक्से में बंद। अब तो जब पापा सुबह नहाने जाएंगे तो ये मिल सकती है चाबी। हैं? मैं रात को यहीं रहूंगा। मैं क्या करूँ, तुम्हें ही मिलने की पड़ रही थी, अब तुम ही भुगतो। हम अच्छे फंसे तेरे चक्कर में। सुबह सुबह तुम तो कोई और काम ना आएंगे, ले आओ तो मेरे सलवन लग जाओ। हाँ लड़ रहा हूँ मैं इस घर का नाश ना होने दूँ। तने मेरे बक्से का ताला क्यों खोल जा? मैं क्यों खोलती थारे बक्से का ताला? ऐसा क्या है उसमें जो मेरी जरूरत का है? सब जानू मैं। हैं? अभी तो तुम कह रही थी मैंने ताला नहीं खोला, फिर तो तुम कैसे पता चल गया उसमें कुछ ना है? मैं जा रही हूँ अपना काम धंधा देखो। हाँ हाँ जा, इस घर में कोई मेरी बात का जवाब ही नहीं देता, और मुझे भी तो काम है, मैं भी लैट्रिन में जाऊं। हमेशा ही अलग रहे लाला जी। क्यों, तू कोई हीरो है? क्यों? अरे जीन्स पहन रहा, जूते नए पहन रहा, टी शर्ट बहुत बढ़िया, और यो चश्मा भी लगा रहा। तुम कहीं के हीरो हो लाला जी? क्यों, तुम भी तो चश्मा लगा रहे हो। अरे यू तो आंखों का लगा रखा मैंने। मैंने किसी और चीज का लगा रखा। और देख ले क्या बुरा रहा हमारा बेवकूफ। पहले तो पैसे छाके ले जावे जी, अब मेरे लेते बिठा के ले जाने लगी। क्या कर रही तू चाबी का? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कह ली, मैंने ना लिया सारा कुत्ता ना ली सारी धोती, मैं क्या करूंगी उनका? और वह हम उनके चली गई, इस घर का नाश ना होने दूं मैं। अरे से फोन मुंह मारे। ए नेहा, नेहा दूध रख दिया फ्रिज में? हाँ मम्मी रख दिया। तो जा ठीक है, जाके सो जा। ले, ये बात कुमारी, मेरी बात का जवाब ना दे रही, कोई इस घर में मेरी बात का जवाब ना देता, असोगी। Thank you.
अरे कोई घर बोल चिंता तुम कोई रात बक्से में बंद रहे और फिर भी ऐसी बात करते हो, मुझे पता था कि तुम बाद में आओगे और फिर ऐसे करोगे। अच्छा तुम्हें पता था, इसका मतलब तुम चाहती थी मैं आऊँ। लेकिन जब भी तुम आते हो ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। चोरी करके ले गए तो? ले जाने दो, ले जाए तो पापा ज्यादा कुछ यहाँ नहीं रखते, पापा कहीं और रखते हैं। हाँ? बड़ा चालू है मैं, ये तो किराया ना छोड़ता है। तुम तो बस चुप करो। सारी गलती मेरी है। ए, ना लाला जी,
ये मेरा लड़का है। यू क्या कह रहे हैं आप? ओहो, तो तू बाप में का मिल गया, लाला जी उठना चाहिए। नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं नया बिटिया को बहुत पसंद करता हूँ और उसको अपने घर के बहू बनाने की सोचने लगा, इसलिए मैंने सिकंदर को यहाँ बुलवा लिया था। पर आपको तो हमसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, शायद यही मेरी गलती थी, पर मैं क्या करता। जितेंद्र शादी के लिए तैयार नहीं था और मैंने सोचा लाला जी कहीं नेहा की शादी कहीं और तय ना कर दे, यही सोचकर उसका ट्रांसफर यहाँ करा लिया। कुछ समय साथ रहेंगे तो नेहा बिटिया उसको जान लेंगे और ये उसको जान लेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। ये सब मेरी गलती है लाला जी, अपनी गलती मानता हूँ। गलती पकड़ी गई और तो माफी मांगने लगे। नू ना छोटू मैं, है लाला जी का तो मैं आशी कर दिया था। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से घर से, हम लोग क्या छोटू। नहीं पापा, ये ठीक कह रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब चोर अंदर आए तो चोरों को भगाने के लिए जा रहे थे, मैंने ही उन्हें रोका ताकि हम पकड़े ना जाए। देखो जी, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे भी जितेंद्र पसंद है, इसे भी जितेंद्र पसंद है, तुम इनके दोनों के रिश्ते की हाँ भर दो ना। तो मैं जानू अब तू इनकी तरफदारी लेगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूं। तुम चलो रे दोनों यहाँ से। पापा मान जाओ ना। अब तू चुप रहो, तेरी गलती इसमें कम थोड़ी है। छोटू मैं तेने 3 महीने का किराया दिया था, पूरा करके जाइए।